हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 9th मैथ्स। 9th क्लास मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। सो एक्सरसाइज पर मूव करने से पहले आपको एक बार नंबर सिस्टम क्विकली रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक नंबर्स जो होते हैं आपके, वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्लास 1 में पढ़ते हैं। फिर एक नया नंबर इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज 0। नेचुरल नंबर्स हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी, जहां तक भी आप नंबर्स लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर तो होते ही है, सिर्फ एक नंबर एक्स्ट्रा होता है, दैट इज 0। 0 से अगर नंबर स्टार्ट है तो वो होल नंबर्स होते हैं। इसके बाद आपने नंबर्स पढ़े जो आई थिंक 6th क्लास में इंट्रोड्यूस कराए गए थे, कुछ नेगेटिव नंबर्स जिनको हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 तो थे ही हमारे इंटीजर्स में, वो सब आते ही हैं। इसमें कुछ नेगेटिव नंबर्स भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं आपके, -1, -2, -3, -4 अप टू -∞। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जिनको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप इनको भी लिख सकते हैं, इसमें सभी इंटीजर्स तो आते ही है। जैसे 1 है, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, सबके डिनोमिनेटर में 1 आप फिक्स कर सकते हैं। इसमें कुछ आपके ऐसे फ्रैक्शनल नंबर भी आते हैं, जैसे 0 और 1, इनके बीच में हाफ भी आता है, इनके बीच में 3/4 भी आता है, इनके बीच में 1/4 भी आता है, इनके बीच में 3/5 नंबर भी आता है, 1/8 भी आता है। तो इनके बीच में जितने भी नंबर्स फ्रैक्शन में होते हैं आपके, इनको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। कहने का मतलब है ये जो आपने यहाँ तक किया है, इसमें सबसे पहले आपके नेचुरल नंबर होंगे, सबसे छोटा जो ग्रुप है वो नेचुरल नंबर का होता है। फिर होल नंबर्स का होता है जिसमें कि 0 इंट्रोड्यूस हो जाती है। उसके बाद आपके इंटीजर्स आते हैं जिसमें कि फ्रैक्शंस आ जाते हैं आपके इंटीजर्स, और सबसे उसके बाद इस सभी को ऑक्यूपाई करके आपके आते हैं रैशनल नंबर्स। ओके, इसके बाद इनके अलावा एक और ग्रुप होता है आपका इरेशनल नंबर्स का, जो इनसे बिल्कुल डिफरेंट है। ये देखिए, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं, सारे होल नंबर्स इंटीजर्स में हैं, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स में हैं। ये ग्रुप यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद आपके आते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर इन सबसे बिल्कुल अलग होते हैं, और इरेशनल नंबर दो ही टाइप के नंबर्स होते हैं। सबसे पहले तो वो नंबर जो रूट में होते हैं लेकिन किसी का स्क्वायर नहीं होते हैं, जैसे √5, √7, √9 नहीं होगा, बिकॉज √9 3 हो जाता है, और 3 आप जानते हैं 3/1 हम इसको लिख सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। मतलब √3, √9 नहीं, √10 होगा ऑब्वियसली, √11, √12 है ना, जो रूट के नंबर होते हैं। और दूसरा जो आप इस क्लास में पढ़ेंगे 9th में, रूट भी आप पहले पढ़ चुके हैं 8th क्लास में, दूसरे होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ये पूरे आपको एक्सप्लेन कराया जाएगा 2nd चैप्टर में। अभी थोड़ा सा आप ऐसे समझ लीजिए, ऐसे डेसिमल जो ना तो खत्म होते हैं, खत्म भी नहीं हो रहे हैं, कॉन्स्टेंट चलते हुए जा रहे हैं, कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। सपोज करिए मैं लिखती हूँ 7.02002000002000002 and .. इसके बाद में लगा दिया जाता है, मतलब कि ये चलता जाएगा। ऐसा डेसिमल जो कभी फिनिश नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। एक डेसिमल होता है ऐसा 7.41414141, ये भी चलता जा रहा है लेकिन इसमें 41 रिपीट हो रहा है, ये आपका रैशनल नंबर होता है। कैसे, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे, अभी सिर्फ मैं इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। लेकिन अगर कोई टर्मिनेट भी नहीं हो रहा नंबर, रिपीट भी नहीं हो रहा है बार बार, और खत्म भी नहीं हो रहा है, कोई पैटर्न एज सच फॉलो कर रहा है, पहले 2 0 आई, फिर 3 0, फिर 4 0, है ना, एक पैटर्न में चल रहा है, तो वो आपका इरेशनल नंबर होता है। ओके, तो इरेशनल नंबर में दो ही टाइप के नंबर आते हैं, स्क्वायर रूट में जो नंबर्स होंगे, और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग 1 2 1 2 2 1 2 2 2 एंड सो ऑन। ओके, बाकी सारे नंबर हमारे रैशनल नंबर होते हैं। और इन सारे नंबर्स को मिला के, कहने का मतलब है रैशनल नंबर्स सभी और इरेशनल नंबर्स, जो नंबर सिस्टम आपका बनता है उनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। आप 10th क्लास तक रियल नंबर्स ही पढ़ेंगे, उसके बाद 11th में आप जाएंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी पढ़ाए जाएंगे, बट अभी ये सभी आपके रियल नंबर्स हैं। ओके, सो होपफुली नंबर सिस्टम थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आपकी। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज में 1.1, पहला क्वेश्चन है इज 0 अ रैशनल नंबर, क्या 0 एक रैशनल नंबर है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q, क्या आप इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल, आंसर विल बी येस, रैशनल नंबर 0 होता है। 0 देखिए होल नंबर से ही शुरू हो जाता है, होल नंबर में आते हैं ना 0, 1, 2, उसके बाद इंटीजर्स, होल से बड़ा है, इंटीजर्स में भी 0 आता है, और रैशनल नंबर तो सभी को ऑक्यूपाई करता है। रैशनल नंबर में इंटीजर्स भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं, तो डेफिनेटली 0 तो होगा ही। और अगर है तो फिर 0 को p/q की फॉर्म में लिखिए। 0 को तो आप कई तरीकों से p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, आप 0/1 लिख सकते हैं, 0/2, 0/3,
किसी को भी जीरो से डिवाइड करेंगे, मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको चार बच्चों में बांटना है, तो चार बच्चों को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। जब आप ही के पास कुछ नहीं है तो डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, है ना? तो 0/5, 0/6, 0/∞ आप कहीं तक भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर आप लिखेंगे यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। उसने कहा इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखो, तो 0/5, 0/6, 0/1, 0/2 एंड सो ऑन, डॉट 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 लगा दीजिए, दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स निकालिए। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, ये देखिए जितने भी नंबर्स, ये आई थिंक आप 8th क्लास में भी कर चुके हैं, सेम ही क्वेश्चन था आपका। 3 और 4 दोनों के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, आंसर 2। तो हम लोग 1 लिख लेते हैं, ये है 3/1, दूसरा नंबर है हमारे 3/2। हमें कितने नंबर्स निकालने हैं? वी हैव टू फाइंड 6 रैशनल नंबर्स। 6 रैशनल नंबर्स अगर निकालने हैं तो 6 से एक बड़ा नंबर लीजिए, मतलब 7 लीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। दिस इज सॉरी एक सेकेंड 3/1 एंड 4/1 था, ये 3 और 4 के बीच में। ओके, आंसर 2, आप ऐसे लिखेंगे 3/1 एंड 4/1। अब क्या करेंगे, 3/1 into 7, 6 नंबर्स निकालने हैं तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। अगर आपको 5 नंबर्स फाइंड करने होते तो आप 6 से करते, तो ये हो जाएगा 3 7s are 21, 7 1s are 7, 21/7। देखिए 21/7 हम लिख सकते हैं ना 3 को, कैसे, 7 3s are 21, तो ये 3 ही लिखा है एक तरीके से। उसके बाद दूसरा नंबर था हमारा 4/1, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, 7 4s are 28, 7 1s are 7। अब आपके नंबर हो गए 21/7 एंड 28/7, इनके बीच में आपको 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो आप फाइंड कर सकते हैं 21/7 और यहाँ पे है 28/7। कौन कौन से नंबर होंगे इनके बीच में, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 26/7, 27/7। ये हमारे 6 रैशनल नंबर्स हैं एंड दिस इज योर आंसर्स। सो 6 रैशनल नंबर्स आर दिस 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 एंड दिस। ओके, इसी तरीके से करना है, कोई अगर आप लैंग्वेज लिखना चाहें ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 7, ये आप लिख देंगे। सो नंबर्स आर 22/7, 23/7, 24/7, 5/7, 6/7 एंड 7/7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर 3। आगे कह रहा है यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी 5 रैशनल नंबर्स आपको निकालने हैं, किसके बीच में, 3/5 एंड 4/5 के बीच में। सेम वही पैटर्न फॉलो होगा, आप आंसर लिखेंगे आंसर 3। ओके, पहला नंबर था आपका 3/5 एंड 4/5। ओके, क्योंकि हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो 5 से एक बड़ा नंबर, मतलब 6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। 3/5 इंटू 6 इंटू 6, 6 3s are 18, 5 6s are 30, 4/5 में आप लिखेंगे इंटू 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 4s are 24 बाई 6 5s are 30। ओके, 18 by 30, 24 by 30 के बीच में आपको 5 नंबर्स निकालने हैं। सो नंबर्स आर, कौन कौन से नंबर है, 18 by 30 के बाद आएगा 19 by 30, 20 by 30, 21 by 30, 22 by 30 एंड 23 by 30। ये हमारे 5 नंबर्स हैं जो कि इन दोनों के बीच में है, और ये दोनों 4/5 और 3/5 के ही एक तरीके से आपने इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखे हैं। ओके, सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कुछ ट्रू फॉल्स हैं आपके। ओके, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ऑल्सो गिव द रीजन। आपको स्टेटमेंट बतानी है ट्रू और फॉल्स है या नहीं, और रीजन भी देना है अपने आंसर का। फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? अभी मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर, आप इसका अगर एक्सप्लेनेशन लिख लें, नेचुरल नंबर आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का साइन है। उसके बाद होल नंबर्स लिखेंगे, होल नंबर्स होते हैं आपके 0 1 2 3 4 5 6 अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी। सो आप लिखेंगे, देखिए सारे जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, वो सारे होल नंबर्स में है। सो आंसर इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑल एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सारे जो नेचुरल नंबर है वो आपके होल नंबर्स हैं। ट्रू फॉल्स एग्जाम में नहीं आते हैं जनरली, बट आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो ये चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सारे इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं। अब इंटीजर्स लिखिए, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज आपने देखा होगा पहले नेचुरल नंबर होता है, फिर होल नंबर होता है, फिर इंटीजर होता है, मतलब इंटीजर बड़ा है होल छोटा है। तो सारे इंटीजर्स होल में नहीं आ सकते, लेकिन सारे होल इंटीजर्स के अंदर आते हैं, है ना, ये आप समझ पा रहे हैं। अगर इसका रीजन आप ये देंगे, आंसर होगा फॉल्स, उसने कहा रीजन, तो कोई भी एक नंबर दे दीजिए। 1/2, 1/2 इज एन इंटीजर,
एक इंटीजर है क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में है, लेकिन होल नंबर में आप जानते हैं होल नंबर वो है जितना आपको सेकंड क्लास तक आता था, 0, 1, 2, 3, 4, आपको फ्रैक्शन तो सेकंड तक नहीं पता थे ना, तो यहाँ पर होल नंबर ये नहीं है, इज एन इंटीजर बट इट इज नॉट अ होल नंबर, लेकिन ये एक होल नंबर नहीं है, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है कि सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं, ये गलत बात है, गलत है मतलब स्टेटमेंट रॉन्ग है। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर आप जानते हैं होल से भी बड़ा कॉन्सेप्ट, ये तो सबसे बड़ा है, अगर हम इस उसमें देखें नेचुरल, फिर आता है होल, फिर आता है इंटीजर्स, और इन सबको ऑक्यूपाई करके आता है एक सेकेंड बेटा जी, एक मिनट, ये पिछले वाला क्वेश्चन गलत हो गया, क्वेश्चन था एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, इंटीजर्स में फ्रैक्शंस नहीं आते हैं, इंटीजर्स में कंप्लीट आपके नंबर्स आते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये स्टेटमेंट फॉल्स जरूर है, लेकिन इसका रीजन आप कोई इंटीजर देंगे, आप कहेंगे कि -2 इज एन इंटीजर, -2 इंटीजर में होता है, लेकिन वो बट नॉट अ होल नंबर, लेकिन वो होल नंबर में नहीं होता, इससे पिछला वाला क्वेश्चन गलत हो गया है, एक सेकेंड। इंटीजर्स होते हैं आपके 0, 1, 2, 3, 4 तो उसमें होते ही है, बाकी नेगेटिव जब आ जाते हैं -1, -2, -3 तो ये सारे नंबर इंटीजर्स तो हैं, नेगेटिव की अगर हम बात करें, लेकिन होल नहीं है, दैट इज वाई द स्टेटमेंट इज फॉल्स। लास्ट में आप रीजन देंगे सारे रैशनल नंबर भी होल नंबर में नहीं आते, क्योंकि होल बहुत छोटा ग्रुप है, रैशनल बहुत बड़ा ग्रुप है, आप लिखेंगे 1/2 रैशनल तो है बट 1/2 इज अ रैशनल नंबर बट 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, ये होल नहीं है तो हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके चलिए, सो दैट्स ऑल, ये थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज, होपफुली आपको समझ में आ गई होगी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फर्स्ट एक्सरसाइज में से अगर मैं कहूँ तो क्वेश्चन ये दो ही इंपॉर्टेंट है अगर एग्जाम में आते हैं, एनसीईआरटी की अगर हम बात करें, वैसे जनरली ऐसा देखा गया है ये क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो डिनोमिनेटर आपके इक्वल नहीं होते, वो कहेंगे 1/2 एंड 3/5, इनके बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना होता, पहले डिनोमिनेटर इक्वल करने होते हैं, आप 8th क्लास में करके आ चुके होंगे, लेकिन अगर एनसीईआरटी की बात करूँ तो ये दो क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है, अगर आप रिवाइज करेंगे बाद में तो इन दोनों की ही प्रैक्टिस करेंगे, ये और ट्रू एंड फॉल्स तो आते ही नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वेरी सून सेकेंड एक्सरसाइज की वीडियो भी आपकी अपलोड कर दी जाएगी, सेकेंड एक्सरसाइज की मेन है आपकी। ओके थैंक्स अगेन।